घर पर दिवाली की तैयारी हो गई थी, परिवार वालों की आंख के सामने हो गई हत्या। खुशी का माहौल मातम में बदल गया। बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूरी प्लानिंग के साथ एक व्यक्ति की हत्या कर दिया गया है। यह पूरी वारदात जमीनी विवाद में हुई है, एकदम भाला मारकर दर्दनाक तरीके से हत्या किया गया है। आज दिवाली है और ठीक रविवार की रात्रि इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरा एकदम खूनी खेल खेला गया है। पूरे परिवार वाले दिवाली की तैयारी में पूरा जोर शोर से जुटे हुए थे और परिवार वालों के घर के एक व्यक्ति की हत्या हो गई। पूरे परिवार वालों में कोहराम मच गया, पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया है। यह पूरी घटना जमीनी विवाद को लेकर हुई है। कई दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था और जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी खेल में तब्दील हो गया। दिवाली में पटाखा फोड़ने और खुशी मनाने की जगह जमकर खून की होली खेली गई है। जमकर लाठी डंडे और भाला से प्रहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोई युद्ध हो रहा है। हालांकि जानकारी के अनुसार मुताबिक इससे पहले भी इन दोनों पक्ष में बाताबाती हो गई थी और बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी शासन प्रशासन के लोगों को भी पता थी, लेकिन समय रहते हुए कोई उचित कार्रवाई नहीं किया, जिसके कारण यह बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। पूरी घटना यह है कि सीमांत जिले के गोरियाकोटी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी मामला यह है कि गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के खगनी गांव में जमीनी विवाद में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। किसी बात को लेकर तुतु मैमे शुरू हो गया। इतना हुआ कि मामला भालाबाजी में तब्दील हो गया। वहीं भालाबाजी में कमेश्वर मिश्रा के पुत्र संतोष मिश्रा को जमकर भाला लग गई, जिसको आसपास के लोगों द्वारा गोरियाकोटी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर चिंताजनक स्थिति को देखते हुए सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां संतोष मिश्रा की मौत हो गई थी। वहीं इस खूनी खेल में संतोष मिश्रा के पिता कमेश्वर मिश्रा को भी गंभीर रूप से घायल है। वहीं मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पहली गाली गलौज हुआ, फिर बात इतना बढ़ गया कि घर में लाठी डंडा भाला निकल गया और लाठी भाला निकालकर पूरा खूनी खेल खेलते हुए व्यक्ति की हत्या कर दिया गया। कई दिनों से जमीनी विवाद का मामला चल रहा था। शासन प्रशासन को भी पता था कि जमीनी विवाद पर यहाँ चल रहा है, लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं किया, बस देखा रहता रह गया कब तक यहाँ पर हत्या हो गई। अब हत्या हो गया तो क्या बोला जा रहा है कि कार्रवाई किया जा रहा है। अब कार्रवाई कर क्या किया जा सकता है, यह तो परिवार वाले ही समझ रहे होंगे। दिवाली को लेकर पूरे परिवार में पूरा खुशी का माहौल था और खुशी का पल दो मिनट में तबाह हो गया। पूरा खुशी मातम में बदल गया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अपराध के ग्राफ में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अपराध का कोहराम इस कदर बढ़ गया है कि रोजाना राज्य में कहीं ना कहीं हत्या की खबरें लगातार सामने आती रहती है।